यही कि मेरी मदद करें ना, मेरे ऑपरेशन हुए दो चंडीगढ़ में, कैंसर के पेशेंट हूँ, बच्चे भी नॉर्मल है, मेरे पास है ही नहीं ना पैसे ना राशन है ना कुछ। वो एक लड़की इधर से पूजा, वो भी मेरी मदद करती है राशन पानी की, वो भी देती, पर लोग पैसे मांगने आते हैं जिनसे मैंने सेफ्टी टैंक बनाया, वो रोज आते हैं पैसे मांगने। गरीब बेसहारा की कहानी, सुनीता है उसका नाम, बेली चराना में वो रहती है, कैंसर से पीड़ित है, आज भी कैंसर की जो मेडिसिन है वो चल रही है। पति की अगर मैं डेथ की बात करूं, वो 1 साल 8 महीने पहले हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं और सुनीता नाम है उसका। तो अभी मैं उसी के घर पे हूँ, तो पहले मैं आपको तस्वीरों से ज़रा उसका घर दिखाना चाहूँगी। ये उसके घर के कुछ दृश्य हैं, अगर आप देखेंगे ये घर, घर पे टीन डले हुए हैं और घर के ऊपर जो है वो ईंटों से रखा गया है, ताकि अगर बारिश आती है, तूफान आता है तो वो उड़े ना। तो घर को किस तरह से सपोर्ट भी दी हुई है, तो ये आप देख सकते हो कि घर को सपोर्ट से जो है वो रखा गया है। तो अभी हाल ही में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये इस तरह की जगह है, मतलब यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ कच्चा है, इस तरह से जो है ईंटें पड़ी हैं, ये टूटा फूटा सामान। और वहाँ पर एक सेफ्टी टैंक बनाया गया है, जिसे सुनीता ने उधारे पैसे लेकर जो है वो बनाया है, और सुनीता जो चाहती है कि लोग उसकी मदद करें ताकि उसका घर जो है वो बने। तो चलिए सुनीता के घर पर कुछ इस तरह से जो है वो जाया जाएगा, तो उतरते हैं सुनीता जी के घर पर जाने के लिए, अंदर चलते हैं आपको लेकर। तो इसी तरह से जो है वो इनके अंदर आप देखिए, इस तरह से ये इनका एक छोटा सा घर है, अंदर एक ही रूम है, कोई वॉशरूम कोई किचन इसके अंदर नहीं है। सुनीता यहीं पर जो है वो साइड पर जो है वो अपना खाना बनाती हैं, ये यहीं पर वो हैं जो वो अपना खाना बनाती हैं। और ये उनका छत, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये छत भी जो है वो नीचे आने की कगार पर है, ये रूम के अंदर ही उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, और यही कुछ सामान है सुनीता के पास। तो चलिए सुनीता जी से बात करते हैं। सुनीता जी, कितने साल पहले आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी? 1 साल 8 महीने। 1 साल 8 महीने। तो क्या करते थे आपके हस्बैंड? दिहाड़ी लगाते थे। दिहाड़ी लगाते थे, तो उसके बाद आपके जिस तरह से आपने बताया आपके 3 बच्चे हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे, मैं बीमार हूँ, कीमोथेरेपी चलती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता, अभी नानी के घर है। वो नानी के घर है। हाँ, इधर गिर गया था इसलिए गए हैं वो। ये छत गिर गया था। हाँ। तो हमें ये भी बताया गया कि जो आपके 2 बच्चे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, अब नॉर्मल। बेटी की, हाँ, बेटी की बाजू टूटी। अच्छा, तो आपके घर का खर्च किस तरह से चलता है? कभी इधर उधर से, कभी साग भैया ने दिया, कभी इधर पास में रहते हैं उन्होंने दे दिया राशन कार्ड। तो जिस तरह से आपको कैंसर है, आपकी अभी भी जो है वो दवाई चल रही है, इतना ज़्यादा मेडिसिन का खर्च किस तरह से पूरा जो होता पहले है? था कीमोथेरेपी, कभी इन्हें साख भैया ने, इन्होंने किया था, एक लड़की और भी उन्होंने, उन्होंने आपकी मदद की है। जी। तो अभी जिस तरह से आपका जो सेफ्टी टैंक है, आपने वो लोगों से पैसे लेके बनवाया? वो ऐसे वो उधार लाए थे मटेरियल, अभी वो भी मांग रहे हैं, उधार वाले मांग रहे हैं। ऐसे में मतलब आप क्या चाहती हैं कि आपको क्या मिले, क्या चाहती हैं? यही कि मेरी मदद करें ना, मेरे ऑपरेशन हुए दो चंडीगढ़ में, कैंसर के पेशेंट हूँ, बच्चे भी नॉर्मल है, मेरे पास है ही नहीं ना पैसे है ना राशन है ना कुछ। वो एक लड़की इधर से पूजा, वो भी मेरी मदद करती है राशन पानी की, वो भी देती, पर लोग पैसे मांगने आते हैं जिनसे मैंने सेफ्टी टैंक बनाया, वो रोज़ आते हैं पैसे मांगने, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, आपने ही उधारे पैसे उस सेफ्टी टैंक बनवाया? हाँ जी। तो मतलब जिस तरह से आप चाहती हैं कि आप आपका ये जो घर है, घर देखें वो भी गिरने वाला है,
तो आपकी जो हमने जगह देखी बाहर वो भी सारी टूटी हुई है, बच्चे आपने नानी के पास छोड़े हैं तीनों बच्चे, तो और साथ में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैम, मेरे को घर की ज़रूरत है, वॉशरूम, बच्चे मेरे दर बिदर है उनकी ज़रूरत है। बाकी मेरे पास काम मैं कर नहीं सकती, दो ऑपरेशन हुए हैं कैंसर का पेशेंट, राशन पानी भी नहीं मेरे पास, गैस सिलेंडर भी ख़त्म है, सिलेंडर भी नहीं अपने, ये भी किसी ने दिया मेरे को। तो जो बच्चे आपके नानी के पास रहते हैं आपने उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप उनको ये सारी सुविधाएं नहीं दे सकते? हाँ जी, ऐसे मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल जाना पड़ता, शॉर्टें लगती मेरे, इसलिए छोड़े हैं। इधर खाना भी चाहिए उनको, सब कुछ है, छोटे तो बच्चे, हॉस्पिटल आप खुद जाती हैं? कभी साथ में इधर से लड़के चलते मेरे साथ, हाँ पड़ोसी, ये भाभी वो चलते हैं पड़ोसी। तो आप अकेले किस तरह से रहती हैं जिस तरह से आप बीमार हैं, आपको कभी किसी की जरूरत पड़ जाए तो? मैम ये महल्ले से आता कोई कोई औरत कोई आ है, जाता है? हाँ कोई औरत आती, पर क्या करना, अब अकेली हूँ, भगवान ने रखा तो अकेले रहना पड़ता। चलिए, ये सुनीता की कहानी थी। बेली चराना में सुनीता रहती है। इन्होंने कुछ सेफ्टी टैंक बनाने के लिए उधारे पैसे लिए थे, तो अब वो जो है इनसे पैसे मांगने आते हैं। सुनीता जो है वो कैंसर पेशेंट है, उसी के साथ उनके 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं चंडीगढ़ में, और यहाँ पर भी जो उनकी थेरेपी है वो चल रही है। वो अपने तीनों बच्चों को पालने में असमर्थ है, इसीलिए उन्होंने तीनों बच्चों को अपनी नानी के घर छोड़ा है, जिनमें से 2 बच्चे जो है वो उनके एबनॉर्मल है। तो सुनीता चाहती है कि उनको खाने के लिए जिस तरह से राशन है वो मिल जाए, उनका घर बन जाए, ताकि वो अपने बच्चों को पास रख सके, क्योंकि हर एक माँ का ये सपना होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। और सुनीता खुद बीमार है, ऐसे में वो अपने तीनों बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो वहाँ पर छोड़ा है नानी के घर। अगर आप लोग जो हैं वो आपसे कोई मदद मांगता है तो आप अपने मदद के लिए हाथ जो है आगे बढ़ाते हैं, सुनीता भी आपसे मदद की गुहार लगा रही है, तो आप जो है वो सुनीता की मदद करिए, ताकि जो सुनीता की प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक तो कम हो जाए, और सुनीता जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो इजिली जो है वो अपना आगे का जीवन जो है व्यतीत कर पाए। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि हम यहाँ पर कैप्शन में जो है उनका अकाउंट नंबर डाल देंगे, जिन लोगों ने मदद करनी है वो उस अकाउंट नंबर के तहत मदद कर सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्बो लटन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।